Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your fourth lecture on cell biology. Cell biology का यह fourth lecture है बेटा, जिसमें इससे पहले वाले lecture में आपने endomembrane system जान लिया था, what is endomembrane system, और उसी के आगे हम लोग पूरे के पूरे cell organelle sequence wise करने वाले हैं, जिसमें हमने सेल बायोलॉजी को टू पार्ट्स में बाइफरकेट किया था बेटा. लुक एट दिस, सेल को हमने टू पार्ट्स में बाइफरकेट किया था बेटा, जिसमें पहला था सेल एनवेलप, पहला था सेल एनवेलप एनवेलप और दूसरा था सेल ऑर्गेनेली, दूसरा था सेल ऑर्गेनेलीज. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल एनवेलप में टू टाइप्स होते हैं. सेल एनवेलप के टू टाइप्स, पहला जो था दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड वन इज़ द सेल वॉल, सेकेंड वन इज़ द सेल वॉल. फर्स्ट वन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज़ द सेल वॉल. और यहीं अगर हम सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सो यहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स और सेल वॉल ये दोनों ही चीज़ कंप्लीट कर ली है. इसी के बाद हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपने देखा होगा बेटा, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, या इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस या इसी को हम बोलते हैं केंद्रक. केंद्रक के की जो आउटर कवरिंग है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से पोरस लाइक स्ट्रक्चर आपको सीन होते हैं, ठीक है, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर सीन होते हैं. वेट, पोर लाइक स्ट्रक्चर सीन होते हैं बेटा. लुक एट दिस साइड प्लीज, यहाँ से इस तरीके से पोर्स हम बना ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से पोर्स होते हैं. सो अगर हम बात करें सो कुछ इस तरीके से आपकी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग कुछ इस तरीके से होगी, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर आपके क्रोमेटिड्स होंगे, जेनेटिक मटेरियल होगा. ओके, यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए, ठीक है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोर्स होते हैं, दिस पोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर, दिस पोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटर कवरिंग, सो यहाँ से आपकी एक लेयर फॉर्म होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ER, या बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं टू टाइप्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं बेटा टू टाइप्स. इसी को बोलते हैं हम लोग अंतर्द्रव्यी जालिका, हिंदी में अगर बोले तो अंतर्द्रव्यी जालिका इसका नाम है, ठीक है. इसके टू टाइप्स हैं बेटा, आर ई आर एंड एस ई आर. इज डिनोट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एस ई आर डिनोट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहीं से ये जनरेट होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स होते हैं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ इस तरीके से राइबोसोम्स अटेस्टेड होते हैं, राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं बेटा कुछ इस तरीके से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते हैं. सो रफ में राइबोसोम इज प्रेजेंट एंड स्मूथ में राइबोसोम इज
एब्सेंट, टोटली एब्सेंट. सो दैट्स वाई इनकी जो सरफेस होती है, ये खुरदुरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. और जो पर्टिकुलर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनकी जो सरफेस होती है बिल्कुल स्मूथ होती है. स्मूथ सरफेस के साथ साथ इनका स्मूथ फॉर्म करने का भी फंक्शन होता है. लाइक इससे फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड एंड आपके बात करें हम हार्मोन्स, तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन या वर्क है या फंक्शन है. अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो ये प्रोटीन जनरेट करते हैं या प्रोटीन फॉर्म करते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू द राइबोसोम्स. ओके, बिकॉज राइबोसोम्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री. राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. ओके, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. अब फॉर एग्जांपल कि हम राइबोसोम, हमारे पास ऑलरेडी फ्री लिविंग जो साइटोप्लाज्म में ओवरऑल स्प्रेडेड रहते हैं वैसे वाले राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी नीड क्यों है? सो दिस नीड फॉर द सेकेंड सेल, या हम बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सेल है उसके आजू बाजू जितने भी आस पास में सेल्स होती हैं उनको अगर प्रोटीन सप्लाई करना हो, सो एट दैट सिचुएशन जब उनके लिए प्रोटीन फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनाए हुए प्रोटीन हैं उनको क्या करते हैं, आफ्टर पैकेजिंग दूसरी सेल तक के उसको क्या करते हैं, पहुँचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो दिस इज़ नेसेसरी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है दैट इज़ द एडवांस या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोटीन. अब अगर हम लोग बात करें बेटा इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से आपकी गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट रहती है. जैसे यहाँ पे सिस्टर्नीज थे, ये सिस्टर्नीज जो है ये ब्रांच फॉर्म में थे, शाखीय रूप में थे. यहाँ पे ये जो सिस्टर्नी थी, सिस्टर्नी है, ये ब्रांच फॉर्म में नहीं रहेगी या ये अशाखीय रहेगी, ये अशाखीय रहेगी और यहाँ पे ये शाखीय होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये साखी होगी और गॉल्गी बॉडी में ये साखी नहीं होगी. ठीक है, गॉल्गी बॉडी को हम डिफरेंट कलर से फॉर्म कर दे रहे हैं. वेट, ओके. सो गॉल्गी बॉडी इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होती है. सिस फेज और ट्रांस फेज, ये दो उसके फेजेस हैं. एंड गॉल्गी बॉडी इज डिस्कवर बाय सर कैमेलियो गॉल्गी. गॉल्गी बॉडी या इसे गॉल्गी एपरेटस बोलते हैं या हिंदी में बोले तो गॉल्गी काय बोला जाता है, के नाम से जाना जाता है. ठीक है, और अगर हम बात करें तो इनकी डिस्कवरी जो हुई है बेटा ये हुई है कैमेलियो गॉल्गी सर ने इसकी डिस्कवरी की है. जो सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे थे हम, और सबसे पहले हमने जो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था वहाँ हमने कैमेलियो गॉल्गी सर के बारे में डिस्कस किया था. सो कैमेलियो गॉल्गी सर ने गॉल्गी बॉडीज को की डिस्कवरी की. और यहाँ पे टू फेजेस होते हैं, एक होता है सिस फेज और एक होता है बेटा ट्रांस फेज. सिस फेज एंड ट्रांस फेज, तो एक जो फेज है वो प्री मैच्योर फेज होता है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन बन के आता है ये पहले रिसीव होता है फर्स्ट वाले फेज में, जो कि इसका प्रिमिटिव फेज या बोल सकते हैं प्रीमेच्योर फेज होता है. और इसके बाद गॉल्गी बॉडीज के अंदर, सिस्टर्नीज के अंदर, डेट मीन्स की सिस्टर्नीज के अंदर ओवरऑल प्रोसेस होती है बेटा. और वो प्रोसेस से गुजरने के बाद ये ट्रांस फेज में जाके क्या होता है, मैच्योर प्रोटीन पैक्ड होके निकलता है. सो यहाँ पे जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ था, प्रोटीन जो फॉर्म हुआ था, ये गॉल्गी बॉडीज में जाके क्या होता है, पैक होता है. सो इसका वर्क क्या हो जाएगा, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन. ओके, अब पैकेजिंग की क्यों ज़रूरत होती है, तो पैकेजिंग के लिए इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि दूसरी सेल तक कैसे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है. अगर एक ही सेल तक के अगर हम लोग को यूज़ करना रहता है, फॉर एग्जांपल कि हम लोग खाना बनाते हैं घर पे, डेली खाना बन रहा है, तो हमें पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट इन केस कि कोई आ रहा है तो हम लोग मस्त से सजा के रखते हैं पैक, और या तो पार्सल करना रहता है तो हमें पैकेट के फॉर्म में हम उसको रैप करके, प्रॉपरली रैप करके कहीं भिजवाते हैं. सो लाइक दैट आप याद कर सकते हैं, लाइक कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन फॉर्म हुआ है वो यहाँ मतलब गॉल्गी बॉडी में आके पैक्ड होता है प्रॉपर, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है टू द अदर सेल.
इसी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने पहला जो सेल ऑर्गेनली देखा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर वो है ईआर, जिसका मेन फंक्शन हमने बताया था, और एसईआर का मेन फंक्शन यू नो वेरी वेल, एसईआर का मेन फंक्शन लर्न रखना है आपको, एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन। पॉइजन के डिटॉक्सिफिकेशन में ये एसईआर हेल्प करता है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम जो एसईआर प्रेजेंट होते हैं बेटा वो होते हैं लीवर सेल में। कहाँ होते हैं? लीवर सेल में। कहाँ होते हैं प्रेजेंट? लीवर सेल, यकृत की कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है, यकृत कोशिकाओं में होते हैं। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने कौन से देखना था, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर फोर सेल ऑर्गेनेली हैं बेटा, जिसमें सबसे पहले हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दूसरी बात की गोल्गी बॉडीज की या गोल्गी एपरेटस की, इसे हम लोग बोलते हैं एपरेटस, गोल्गी एपरेटस। उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें बेटा, ईआर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और इसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो लाइजोसोम्स होते हैं, थर्ड अगर बात करें तो हम लाइजोसोम्स होते हैं, और फोर्थ होते हैं बेटा वैक्यूल्स। फोर्थ क्या होते हैं? वैक्यूल्स। सो दीज आर द फोर सेल ऑर्गेनेली अंडर अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मैंने पहले ही बताया कि व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दैट मींस कि जो मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा, और ये जो मेम्ब्रेन जनरली अगर हम देखें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो पूरा का पूरा ये यूकेरियोटिक सेल का ही कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की, तो दैट इज द लाइजोसोम्स बेटा। लाइजोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं, आइए चलिए देखते हैं अबाउट द लाइजोसोम्स। Lysosomes is also called as suicidal bag, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा हिंदी में आत्महत्या की थैली। इसे आत्महत्या की थैली बोलने के पीछे रीजन है बिकॉज lysosomes contain digestive enzymes होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए कुछ इस तरीके से ये लाइजोसोम्स है, क्योंकि ये सिस्टर्नी वही गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी से जो मैच्योर फॉर्म में हो जाते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, और ये सर्कुलर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस रहेंगे, जो अगर इवन अगर फॉरेन सब्सटेंसेस या अदर बैक्टीरिया या अदर सेल जो कि हमारी पर्टिकुलर सेल को क्या हार्म करने आ रही है, तो उस पर्टिकुलर सेल से उसको बचाएगा, बैक्टीरिया से बचाएगा। सो जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं अगर वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, पर्टिकुलर बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उसे क्या करेंगे हम, उसे प्रोटेक्ट करने का काम किसका रहता है? पर्टिकुलर लाइजोसोम्स का रहता है। अगर हम बात करें लाइजोसोम्स की, तो डाइजेस्टिव एंजाइम, यू नो वेरी वेल डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि स्टमक के अंदर कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, स्टार्टिंग हम लोग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो पर्टिकुलर हमारे माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ या बकल कैविटी जिसको मुख गुहा भी बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे सलाइवा होता है, तो सलाइवा का पीएच भी होता है 6.8, है ना। हमारे लार का पीएच क्या होता है, सलाइवा का पीएच क्या होता है बेटा, सलाइवा का पीएच क्या होता है? 6.8 होता है, यू नो वेरी वेल, है ना, पीएच क्या होता है? 6.8। वैसे ही हमारे स्टमक का पीएच क्या होता है, स्टमक का पीएच क्या होता है, या आमाशय का पीएच क्या होता है, आमाशय
आमाशय का पीएच क्या होता है, तो 1.8 होता है, 1.8 होता है, तो ये भी एसिटिक है ना। इट इज ड्यू टू HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी क्या काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जो हमारे धोखे से हमारे फूड के साथ क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इनटेक हो जाते हैं। इसी तरीके से इनका फंक्शन रहता है। और वैसे ही आपको पता है कि स्टमक के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो रेनिन पेप्सिन लाइपेस, इस तरीके से रेनिन रेनिन पेप्सिन पेप्सिन लाइपेस, इस तरीके से जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम आपके स्टमक में होते हैं, आमाशय में होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इनर साइड में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम पाचन का कार्य करते हैं, क्या करेंगे, पाचन का कार्य करेंगे, और ये फॉरेन सब्सटेंस को किल करेंगे, फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, है ना, फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। जितने भी, अगर इनकेस कोई वायरस आ जा रहा है हमारी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, तो ये सब चीज, ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, उसको किल करने का काम करेंगे। लाइजोसोम का मेन फंक्शन ये रहता है, और फंक्शन ये भी रहेगा कि जो थोड़े कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनको सिंपलेस्ट पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब अगर बात रही बेटा कि पर्टिकुलर ये डाइजेस्टिव एंजाइम को हम लोग ने आत्महत्या की थैली क्यों कहा, तो जब कभी इसके पास कुछ डाइजेस्ट करने के लिए नहीं रहता है, या कोई पर्टिकुलर सेल क्या हो गई है, मैच्योर हो गई है, तो ये अपने आप को ब्रस्ट कर लेते हैं, ब्रस्ट मतलब फूट जाते हैं ये, और इनके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं वो पूरे के पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और इसी कारण से उस पर्टिकुलर सेल, उस पर्टिकुलर कोशिका की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे बोला गया है आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है थर्ड पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब फोर्थ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें बेटा, तो ये है वैक्यूल, वैक्यूल्स जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैक्यूल है वो है फूड वैक्यूल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वैक्यूल है वो है फूड वैक्यूल। क्यों? क्योंकि PNST के स्टूडेंट्स को अमीबा में क्या पढ़ना पड़ता है बेटा, अमीबा की जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखना पड़ता है। तो फूड वैक्यूल जो है वो अमीबा का फूड वैक्यूल सबसे ज़्यादा फेमस है। यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, अमीबा इज अ एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय यूकेरियोट, यूकेरियोट एक कोशिकीय यूकैरियोट है, मतलब कि इसके पास न्यूक्लियस है बट यूनिसेलुलर है। तो पूरे के पूरे फंक्शन जो होंगे बेटा वो आपके अमीबा के अंदर ही होंगे, एक सेल के अंदर ही होंगे। सो दिस इज द अमीबा, अमेबिटिक सेल। यहाँ पे छोटे छोटे से फूड वैक्यूल्स होंगे, फूड वैक्यूल्स होंगे जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है। ओवरऑल प्रोसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी यहाँ पे डाइजेस्ट करके जो है ग्लूकोज को यहाँ स्टोर करेंगे। दिस इज द फूड वैक्यूल, दिस इज द फूड वैक्यूल। यू नो वेरी वेल द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज स्यूडोपोडियास। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडोपोडिया। पोडिया मीन्स पैर होता है, तो ये एज अ क्या बोल सकते हैं हम, लोकोमोशन के लिए भी हेल्प करते हैं ये, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी, और फूड इनगल्फिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। वैक्यूल के एक्चुअली में फोर टाइप्स होते हैं बेटा, फूड वैक्यूल, फैट वैक्यूल, फूड वैक्यूल, फैट वैक्यूल, ऑयल वैक्यूल। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग वैक्यूल्स के अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज, अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज, ठीक है। फूड वैक्यूल हो गया, फैट वैक्यूल हो गया, ऑयल वैक्यूल हो गया, इवन दो प्लांट्स में लिपिड स्टोर करने के लिए भी लिपिड वैक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक ये इनगल्फिंग का जो काम होता है अमीबा में वो स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, और ये इनर इनर साइड में जाके पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। और यहाँ पे फूड वैक्यूल में क्या हो जाता है, फूड स्टोर हो जाता है बेटा,
फूड स्टोर होता है फूड वैक्यूल्स में। सो ओवरऑल अगर हमें ये देखें तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, इस तरीके से हम देखें तो ये क्या है, अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, यू नो वेरी वेल। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं फूड वैक्यूल। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैक्यूल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज कैपेसिटी। सो दिस आर द फोर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा बेटा, जिसके हमने टू टाइप्स पढ़े हैं ओके, SER, RER। उसके बाद अगर हम बात करें गॉल्गी बॉडीज पढ़ी हमने, गॉल्गी अपरेटस जिसको कैमेलियो गॉल्गी ने डिस्कवर किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इसकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन होगा ओके। और इसके बाद पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन के बाद आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइजोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, तो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे तो इसका काम क्या रहेगा बेटा, डाइजेस्ट करने का वैक्यूल स्टोरेज के लिए। और यही स्टोर होके दूसरे इसमें ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे द डिफरेंट सेल ऑर्गेनली जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से अलग हैं, दोनों से अलग है। मीन्स आपका ना ही वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप है ना ही गॉल्गी बॉडीज टाइप है, ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनली है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली। सेमी ऑटोनॉमस मतलब स्वचलित बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, स्वचलित, खुद से चलने वाले, बिकॉज इनके पास खुद का अपना क्या होता है, दे हैव देयर सेल्फ डीएनए या देयर सेपरेट डीएनए, इनके पास अपना खुद का सेपरेट डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, पहले क्या हुआ करता था, पूरी की पूरी सेल जो थी बेटा प्रोकैरियोटिक सेल ही थी। सो यहाँ पे जो दो सेल ऑर्गेनेली की बात करने वाले हैं हम, जो कि सेल्फ सेमी ऑटोनॉमस है या जिनके पास अपने खुद के डीएनए होते हैं, उन दोनों का नाम है, फर्स्ट का नाम है क्लोरोप्लास्ट और सेकेंड का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिफरेंट आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों ही जो हैं वो सेमी ऑटोनॉमस हैं। वो कैसे हैं, तो दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स रखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लियोलस के फॉर्म में। सो हम बोल सकते हैं कि इनके पास जो है इनका डीएनए होता है वो फ्री होता है, इनर साइड में होगा बट फ्री होगा। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में भी यही सेम चीज़ें होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही चीज़ें होती है। जैसे क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं हम लोग, रसोई घर, कोशिका का रसोई घर क्या है, कोशिका का रसोई घर क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, पादप कोशिकाओं में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, या आपको देखने को मिलेंगे इन सम साइनोबैक्टीरियास, है ना। फोटोसिंथेसिस से क्या, किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, भोजन का फॉर्मेशन होता है यानी फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर वही हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं इसे बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल। या यहाँ पे क्या होता है, ATP जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है बेटा, ATP जनरेट होता है। तो ये जो दोनों है ये मुख्य
बहुत ही ज़्यादा मुख्य फंक्शन यानि मेन फंक्शन मेन रोल प्ले करते हैं ओवरऑल सेल में। सो इसीलिए ये क्या क्या सोचा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल थी ये आपस में मिलके दो से तीन सेल ने आपस में मिलके जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गई। फॉर एग्जांपल कि इनके पास क्या था, इनके पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करने में कैपेबल थी बट फूड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर सकती थी। और वहीं अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो क्लोरोप्लास्ट फूड जनरेट कर सकता था लेकिन वो एटीपी रिलीज नहीं कर सकता था। सो यहाँ पे क्या हुआ कि इनका एक जैसे हमने देखा है लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है प्लस प्लस, सेम वैसे ही रिलेशनशिप में क्या रह रहे हैं ये जो पर्टिकुलर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल में जाके क्या हो गया शेल्टर ले लिया इन्होंने। और ये अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं। सो पर्टिकुलर अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल जो है ओवरऑल वो क्या है, पूरा का पूरा सोसाइटी है और उसके अंदर ये दो चार घर है जो कि साथ में मिलके काम करते हैं। जो टीम वर्क होता है यहाँ पे आपको टीम वर्क ही देखने को मिल रहा है ओवरऑल यूकैरियोटिक सेल में कि इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा बेटा, उसी ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या जनरेट करवा देना, एटीपी जनरेट करवा देना। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं बेटा वन बाय वन। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले क्या देखने वाले हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट जानने से पहले हम लोगों को प्लास्टिड्स के बारे में जानना पड़ेगा बेटा, व्हाट इज प्लास्टिड। सो अगर हम लोग प्लास्टिड टर्म देखें तो प्लास्टिड जो टर्म है दैट मीन्स कलर पिगमेंट। ओके, दैट मीन्स कलर पिगमेंट हम बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है कलर पिगमेंट। और इसको कलर पिगमेंट के बेसिस पे हमने थ्री कैटेगरी में क्या करे हैं बेटा, डिवाइड किए हैं, थ्री कैटेगरी इसकी फॉर्म की है। ठीक है, सबसे पहली जो कैटेगरी होती है ये कलरलेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, जिसको हमने नेम दिया है ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोला है इसको, ल्यूकोप्लास्ट, बिकॉज दिस इज कलरलेस पिगमेंट, बिकॉज दिस इज कलरलेस पिगमेंट। इसके बाद बेटा सेकेंड वन इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन्स होता है हरित लवक, या इसी को हम लोग ग्रीन पिगमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि ओवरऑल सभी प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, चाहे वो एल्गी हो बेटा, चाहे वो हायर लोअर टू हायर, हर एक प्लांट में आपको क्या दिखता है, ग्रीन पिगमेंट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। एंड द लास्ट वन इज द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मीन्स क्या होता है, सो क्रोमोप्लास्ट दैट इज द कलरफुल पिगमेंट, दैट इज द कलरफुल पिगमेंट। कलरफुल पिगमेंट दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि कैरोट में, मतलब गाजर में, मिर्ची में, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स में अलग अलग टाइप के आपको कलर विजन आते हैं, लीव्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिड। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आपने क्लोरोप्लास्ट के यानी ग्रीन पिगमेंट के बहुत सारे टाइप्स देखे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल अगर हम देखें बेटा तो इसके 12 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो क्लोरोफाइसी जो कि एल्गा की पहली क्या है, ब्रांच है, जो कि ग्रीन इन कलर होती है, जिसमें ए प्लस बी का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद फियोफाइसी में बेटा आपको ए प्लस सी का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एंड द लास्ट वन इज द रोडोफाइसी में आपको क्या देखने को मिलता है, रेड कलर, दैट इज ए प्लस डी का अरेंजमेंट। ठीक है, सो ओवरऑल आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल। होप सो यू एंजॉय माई लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।